तो यार अभी देखिए सबसे लेटेस्ट न्यूज़ अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को रेटिंग मिल रही है टोमेटोमीटर पे 86% टू 89%, और क्या इम्पैक्ट डालने वाली है ये रेटिंग अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर पे, चलिए देखते हैं। तो यार जिन लोगों ने भी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को अभी तक देखा है और जिन लोगों ने इस मूवी को जो है रिव्यू किया है, रेटिंग दी है इस मूवी को, तो उन लोगों ने यही कहा है कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में इतनी सारी स्टोरी, इतना सारा कास्ट होने के बावजूद जो है हमें अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में काफ़ी सारा कुछ नया देखने को मिल रहा है हर मिनट में, और जो है इस मूवी की स्टोरी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। हालांकि हो ये भी सकता था कि ये मूवी जो है पूरी तरीके से जंबल आउट हो सकती थी, लेकिन रूसो ब्रदर्स की डायरेक्शन की वजह से और मार्वल स्टूडियोज़ की स्टोरी टेलिंग की वजह से ये सब कुछ जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक परफेक्ट मूवी साबित हुई है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। वहीं इनमें से बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग बहुत ही मिस्टीरियस होने की वजह से ये फैंस को एक तरीके से परेशान कर सकती है कि क्या हाल होने वाला है एवेंजर्स 4 की स्टोरी का और क्या जो है आगे होने वाला है। तो इस तरीके से जो है इन क्रिटिक्स का कहना है कि अगर हमें जो है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को 10 में से नंबर्स देने होंगे तो हम इसको 9 देंगे या 9.5 देंगे, क्योंकि एक तरीके से इसकी एंडिंग जो है वो अटका के रखती है कि क्या होने वाला है एवेंजर्स 4 में। ये हमें पूरी तरीके से इस मूवी के एंड में जो है क्लियर नहीं होता है कि आगे हमारे एवेंजर्स के साथ क्या होने वाला है। तो अब अगर बात करें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की टोमेटो रेटिंग्स जो इसको मिली है 89%, तो बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये एज कम्पेयर टू द अदर मार्वल मूवी जो है बहुत कम है, लेकिन हमें पता है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है, एक मूवी से भी बढ़कर एक फेस्टिवल है हम सब मार्वल फैंस के लिए। तो चाहे कुछ भी हो, इस मूवी की रेटिंग्स कुछ भी हो, सारे मार्वल फैंस इसको देखने ज़रूर जाएंगे और इसका इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर जो है बिल्कुल भी कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो हेटर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग नहीं चाहते हैं कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जो है हिट हो या फिर जो है इसको अच्छी रेटिंग मिले, जिसकी वजह से जो है फैंस के सामने इसका इंप्रेशन खराब हो। लेकिन हम भी ट्रू मार्वल फैंस हैं और हम जानते हैं कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की रेटिंग अगर कुछ भी हो, लेकिन ये मूवी एक एपिक मास्टर क्लास होने वाली है, और जैसा कि जो है रिव्यूज भी क्लियर करते हैं ये एक बहुत ही बड़ा मास्टरपीस है। इंस्टेड ऑफ दैट इसमें बहुत ही ज़्यादा स्टोरी टेलिंग है, इसमें बहुत सारे नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ हैविंग दैट लार्ज कास्ट ओवर हियर, ये बहुत ही बड़ी जो है मूवी होने वाली है अब तक की MCU की। तो इसका जो है टोमेटो रेटिंग्स पे इसका कुछ असर नहीं होगा, और इसके अलावा जो इसको रिव्यूज़ मिले हैं चाहे वो नेगेटिव रिव्यूज कुछ भी मिले हों, तो इसका जो है मूवी पे कोई असर नहीं होने वाला है। और जो हेटर्स हैं जैसे जेम्स कैमरून हैं, जिन्होंने स्लैम किया था रिसेंटली एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को या फिर सुपर हीरो मूवीज़ को, तो यार उनको खुद कुछ नहीं पता तो दूसरों को क्या बोलेंगे। या फिर जो हेटर्स हैं जो भी मेरे चैनल पे जो है ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी जो है पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगी, तो ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ा तमाचा है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को अगर एक कोई भी रेटिंग मिल जाए 89%, 76%, इवन इसकी 50% अगर रेटिंग भी मिलती है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, तो फैंस जो है नहीं रुकते इस मूवी को देखने से, वो इस मूवी को देखने ज़रूर जाते, क्योंकि हम सब मार्वल फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी ट्रीट है। तो यार यही था मेरा ये अपना रिव्यू एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, थक गया मैं बहुत, तो कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।